दोस्तों चलिए थोड़ा डी आई प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो कि एक सिमकैट 113 है। एंड डोंट वरी, मैं थोड़ा सा एम्बियंट बैकग्राउंड म्यूजिक सुनता रहता हूँ जब भी मैं अपने सेट्स वगैरह सॉल्व करता हूँ। अगर आपको फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा होगा तो मैं एक मिनट के अंदर बंद कर दूंगा। इट्स जस्ट दैट कि मैं थोड़ा पुराने गाने सुनता हूँ। तो मैं आपको पहले एजेंडा बता देता हूँ, एजेंडा सुन लो, उसके बाद जब हम लोग सॉल्व करने बैठेंगे तो फिर आराम से मैं बंद कर दूंगा बैकग्राउंड म्यूजिक। और अगर आपको अच्छा लगेगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक चाहिए तो बता देना, मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वी आर लुकिंग इन टू दिस पास सिमकैट। एक्चुअली आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ रैंडम सेशन। सो या लेट्स जस्ट सी इफ वी कैन डू दिस थिंग राइट। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं इसको बैकग्राउंड को बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग थोड़े से परेशान हो सकते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जब अपने सेट्स को सॉल्व कर रहा होता हूँ तो मैं इस तरह के हरकतें करते रहता हूँ। एनीवेज, पॉइंट ये है कि एक अच्छा सेट निकालने की कोशिश करते हैं। ये एक पुराना सिमकैट है, पास सिमकैट, टेक होम वाला है। और करना क्या है कि खोजते हैं थोड़ा सा, जैसे कि पहला सेट अगर आप पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, रॉजर एंड हिज फ्रेंड मार्क डिसाइडेड टू बेट ऑन अ फुटबॉल मैच बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड रियल मैड्रिड, द डिफरेंस इन दिस एंड दिस। सो बेसिकली आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ नंबर्स। और आप देखो ये बहुत ही लंबा चौड़ा सेट है, तो इसको ना क्या करना चाहिए, इसको आराम से इसको बैठ करके समझना चाहिए। फिलहाल मुझे वो करने का इरादा है नहीं, मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा LR सॉल्व करते हैं जल्दी से, इसके बाद वाले सेट को देखते हैं अगर उसमें कुछ इंटरेस्टिंग निकले। सो इसमें क्या है, टेबल्स बने हुए हैं बड़े बड़े। कहता है किट्टू हैज अ प्लान फॉर अ पार्टी फॉर हर मदर्स बर्थडे, शी विजिट्स लोकल कैटरर नेम्ड फन फूड केटरिंग सीमा मायो कपूर। The four caterers, different types of starter, dessert, salad and cold drink. Okay. So I think this is more of a Einstein puzzle. देखते हैं और क्या इसमें कह क्या रहा है, निकालने क्या कहता है। In all Kittu gets 10 menu heads. Okay. चटपटा लाजवाब यमी टमे तीखी मिर्ची मीठा and all that. So she made a table of all the menu heads but forgot to mention which menu head belongs to which company. However, she remembers the roll number of items starter dessert. This is basically मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि चटपटा लाजवाब ये सब किस caterer के आ रहे हैं, यमी टमी किस caterer का है। तो basically ये भी वही number crunching है, मिलान मिला करके करना पड़ेगा। इसमें मज़ा नहीं आएगा फिलहाल, मुझे करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं इनको स्पेसिफिकली इंडिविजुअल के जैसे सॉल्व कर दूंगा। फिलहाल करते हैं क्या कि स्टार्ट करते हैं अपन कुछ BRC देख ले क्या। VAB ठीक है, मतलब ये अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा काफ़ी लॉन्ग फॉर्म पैसेजेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ अभी अपने दिमाग में डाल दो कि सर ये तो ऐसा है कि लॉन्ग फॉर्म पैसेजेस तो आते नहीं है कैट में, अभी तो बहुत छोटे छोटे पैसेजेस आते हैं तो ये सब करना तो बेकार है फिजूल का नहीं, ऐसा नहीं है। देखो बात को समझो थोड़ा सा, क्या होता है ना कि आपका कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव करने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव तब होता है जब आपका रिटेंशन कैपेसिटी भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। और रिटेंशन कैपेसिटी आपका तभी बढ़ेगा जब आप लॉन्ग फॉर्म पैसेज, और ऐसा कुछ नहीं कि अगर ये गलत हो रहा है तो कोई जज तो नहीं कर रहा है ना यहाँ बैठ के, ना मैं जज कर रहा हूँ तुम्हें ना तुम खुद को जज करो, तो सिंपल है, कोई इशू नहीं है। चलिए पहले तो एक DI सॉल्व करते हैं, LR सॉल्व करते हैं, ये किट्टू वाला मेरे को नहीं करना। फोर पर्सन अमिताभ बिस्वा, सो इतना ही है बस। ग्रेट, फोर पर्सन अमिताभ बिस्वा चलना, डेजी आर आस्क्ड टू चूज एग्जैक्टली वन। सो बेसिकली इनको फ्रूट्स चूज करना है किसी ऑर्डर में कंस्ट्रेंट्स के साथ। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि अपन कोशिश करते हैं कि इसको अच्छे से पहले तो टैबुलेट करने की कोशिश करते हैं, एंड होपफुली कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलिए जैसा जैसा इसमें बोलता जा रहा है मैं उसको टैबुलेट करूंगा और कोशिश करूंगा कि बिना किसी मिस्टेक के ये बने।
तो जो नाम जिस ऑर्डर में लिखे हैं मैं उसी ऑर्डर में नाम लिख देता हूँ कि अमित, बिस्वा, सेलिना एंड डेजी। ठीक है, अब क्या करना है ना कि थोड़ा सा आराम से केसेस बनाते हैं और केसेस को समझते हैं कि क्या हो सकता है। पहला केस लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता फिलहाल के क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, हम इसको एक स्टैंडर्ड एलआर के जैसे सॉल्व करते हैं। और स्टैंडर्ड एलआर में सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया है उसको जॉट डाउन करते हैं। तो ऑब्वियसली आप देख पा रहे होंगे कि अमिताभ चूज एप्पल, देन बिस्वा मस्ट नॉट चूज इफ अमिताभ चूज दिस थिंग। सो इफ देन वाला स्टेटमेंट है, तो वाई नॉट इसको एप्पल दे देते हैं और इसको मैंगो, गुआवा, ऑरेंज, ये सब इसको दे देते हैं। मैंगो, गुआवा एंड फोर्थ इज ऑरेंज। और डोंट वरी, अगर एकदम क्लियरली दिख नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको मैनेज कर लेंगे किसी तरह से। ओके, अब क्या करना है कि थोड़ा सा देखते हैं कि कंस्ट्रेंट्स हमें क्या बता रहे हैं। कंस्ट्रेंट कहता है कि इफ अमिताभ चूज एप्पल देन बिस्वा मस्ट नॉट चूज गुआवा। सो इसके लिए गुआवा इज आउट, तो अब इसके पास कितने ऑप्शन बचे हैं, ऑरेंज और मैंगो। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, बिस्वा के लिए स्टेटमेंट बी क्या कहता है, बिस्वा इफ बिस्वा डज नॉट चूज एप्पल देन डेजी मस्ट चूज ऑरेंज। यानी कि यहाँ पे ऑरेंज जो है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, बिस्वा ने एप्पल नहीं चूज करा, उसको चूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ऑरेंज अगर वहां फिक्स हो गया है, गुआवा यहाँ आ नहीं सकता, आप मेरे से आगे होने चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पॉज करके थोड़ा सोच भी लो। गुआवा आ नहीं सकता, ऑरेंज फिक्स हो गया है, तो ओनली पॉसिबिलिटी फॉर दिस बिस्वा इज दिस थिंग मैंगो। दैट मीन्स कि सेलिना विल हैव गुआवा। तो ये तो एक केस बना, दिस इज द फर्स्ट केस, ये केस बना है। लेकिन आगे पढ़ते हैं, इफ सेलिना डज नॉट चूज मैंगो देन डेजी मस्ट चूज मैंगो। ओ, सेलिना ने तो मैंगो चूज किया नहीं है, दैट मीन्स कि मैंगो तो इसको चूज करना चाहिए था बट वो तो हुआ नहीं। सो दैट मीन्स कि ये जो केस है ये कंस्ट्रेंट्स के वजह से ये केस ही एलिमिनेट हो जाएगा। और ये केस एलिमिनेट भी होगा, और आपको ये चीज समझना भी पड़ेगा कि अमिताभ को जो हमने एप्पल दिया था, अमिताभ का एप्पल वाला सिचुएशन नहीं काम करेगा। ठीक है, चलिए दूसरे पे आते हैं, मैंगो। लेट्स सी इफ वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। मैंगो, राइट। सो ओके, इफ अमिताभ चूज एप्पल देन बिस्वा मस्ट नॉट चूज गुआवा, बट इफ अमिताभ हैज नॉट चूजन एप्पल देन ही इज फ्री टू चूज गुआवा। और इस अभी ये ऑरेंज पिक करने के लिए भी फ्री है, और अभी ये मैंगो पिक करने के लिए भी फ्री है। ठीक है, सॉरी नॉट मैंगो, एप्पल। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसको समझते जाइए। सपोज बिस्वा इज चूजिंग गुआवा, बिस्वा डज नॉट चूज एप्पल देन डेजी मस्ट चूज ऑरेंज। डेजी एप्पल तो उसने चूज नहीं किया है, हम इस केस को देख रहे हैं, गुआवा चूज किया है, तो यहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा, और यहाँ पे ऑरेंज आ जाएगा तो लास्टली जो बचता है एप्पल वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट वही है कि सेलिना अगर एप्पल चूज नहीं करती, इफ सेलिना डज नॉट चूज, सॉरी इफ सेलिना डज नॉट चूज मैंगो देन डेजी मस्ट चूज मैंगो। तो ये सेलिना वाला जो कंडीशन है उसके वजह से यहाँ मैंगो आना चाहिए था, यानी ये जो पर्सन है अपना बिस्वा, ये गुआवा चूज ही नहीं कर सकता। अब हम लोग दूसरे केस पे आते हैं, इफ ही चूजेस ऑरेंज, अगर ये ऑरेंज पिक करता है तब क्या होगा। तो अगर ये ऑरेंज पिक करेगा, इफ बिस्वा डज नॉट चूज एप्पल देन डेजी मस्ट चूज ऑरेंज। अब ये ऑरेंज अगर पिक करता है तो इसको भी ऑरेंज पिक करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। दैट मीन्स अल्टीमेटली वट यू आर लेफ्ट विथ इज एप्पल ओनली। सो वट यू हैव टू डू इज कि एप्पल, आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि बिस्वा सिर्फ एप्पल ही चूज कर सकता है। ठीक है, अब उसने एप्पल चूज कर लिया, इफ
बिस्वा डज नॉट चूज एप्पल, डेजी मस्ट चूज ऑरेंज. अब सिचुएशन ऐसा है कि इनको आप एलिमिनेट करो. लेट मी चेंज द कलर अ लिटिल बिट, लेट मी यूज दिस कलर. या सो एप्पल अगर चूज करता है तब क्या कर सकता है? हमें कंस्ट्रेंट क्या दिया हुआ था? कंस्ट्रेंट ये दिया हुआ था कि इफ बिस्वा डज नॉट चूज एप्पल देन डेजी मस्ट चूज ऑरेंज. यहां पे तो उसने चूज कर लिया है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि ये ऑरेंज पिक कर सकता है या ऑरेंज के अलावे जो फ्रूट बच गया विच इज आई थिंक गुआवा, वो भी पिक कर सकता है. ठीक है, व्होएवर दैट डेजी फेलो इज, अ गाय और अ गर्ल, डजंट मैटर. ठीक है, आप समझो बात को. इफ बिस्वा डज नॉट चूज एप्पल देन डेजी मस्ट चूज ऑरेंज, बट इफ बिस्वा चूज एप्पल देन डेजी कैन और कैनॉट चूज ऑरेंज. अगर एप्पल चूज कर लेता है तब ऑरेंज चूज कर सकता है डेजी, कर सकती है डेजी, उस पर तो कोई कंस्ट्रेंट है नहीं. नहीं करता है तब कंस्ट्रेंट आता है कि तब डेजी को ऑरेंज चूज करना ही पड़ेगा. अब मजे की बात, अब फिर हम आते हैं सेलिना पे. सेलिना डज नॉट चूज मैंगो, डेजी हैज टू चूज मैंगो. पॉसिबिलिटी ये है कि अब यहाँ पे मैंगो तो आ नहीं सकता क्योंकि मैंगो इज ऑलरेडी फिल्ड अप. अब अगर यहाँ पे मैंगो नहीं आ सकता, आप देख लो बिटवीन ऑरेंज एंड गुआवा, वट एवर यू पिक ओवर हेयर, अगर आप ऑरेंज डालोगे तो दूसरा वाला फ्रूट यहाँ पे जाएगा गुआवा, जो कि एक्सेप्टेड नहीं होगा. सो दिस पॉसिबिलिटी ऑल्सो इज रूलिंग आउट. अब तीसरे पे आ जाते हैं, लेकिन यही है कि हम अमिताभ का गुआवा को देख रहे हैं और हम लोग बिस्वा के एप्पल पे ही फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि हमें इतना पता है कि बिस्वजीत जो है वो गुआवा और ऑरेंज पे काम नहीं करता, बिस्वजीत सिर्फ एप्पल पे काम करता है. ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एलआर सेट है. अब गुआवा सेट हो गया, एप्पल सेट हो गया, और अगर एप्पल सेट हो गया तो हमें पता है कि हमारे पास ऑरेंज और मैंगो बचा है. ठीक है, नाउ सी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. इफ एप्पल गेट्स चूजन, डेजी हैज ऑल द राइट्स टू चूज बिटवीन ऑरेंज एंड मैंगो, बट सपोज आई गिव दिस पर्सन ऑरेंज, देन मैंगो विल कम ओवर हेयर. ओके, देन मैंगो विल कम ओवर हेयर, बट इज इट अलाउड? इफ सेलिना डज नॉट चूज मैंगो देन डेजी मस्ट चूज मैंगो, बट इफ सेलिना चूजेज मैंगो देन डेजी मस्ट चूज मैंगो और नॉट, उस पर तो कंस्ट्रेंट नहीं है. Try to understand, this is a negative statement. Negative statement को समझना थोड़ा सा, you know, it is a bit difficult. Constraint कहता है कि if Selena does not choose mango, then Daisy must choose mango. In this condition, this fellow is choosing mango. तो फिर orange तो वो pick कर ही सकता है, तो that means कि ये guava वाला जो condition है ये satisfy कर रहा है. What if you have given orange to this lady over here? If you had given orange, तो इस पोजिशन पे आता मैंगो. ठीक है, सेम आता एप्पल ऑरेंज मैंगो, लेकिन हम लोग फिर वही कंस्टेंट पे जाते हैं. If Selena does not choose mango, then Daisy must choose mango, जो कि होता नहीं, तो ये वाला कंडीशन एलिमिनेट है. बट ये चलेगा, ये वाला कंडीशन चलेगा, नीचे वाला कंडीशन नहीं चलेगा. आप देख रहे हो कितने सारे केसेस बन रहे हैं. अब एक और देख लेते हैं, लास्ट ऑरेंज अगर हम देते हैं अमिताभ को, तो यू नो बिस्वा के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसको तो एप्पल लेना ही पड़ेगा. और अगर इसने एप्पल ले लिया तो हमारे पास ऑप्शंस में क्या बचता है? ऑरेंज, डेजी के लिए ऑरेंज बचता है, और आई थिंक मैंगो ही बचता है, राइट? या मैंगो. ओके, नाउ इफ दिस फेलो सेलिना डज नॉट चूज मैंगो, if Selena does not choose mango, then she has to choose mango. So suppose Selena chooses orange. Orange. So in this case, she is choosing mango. So ye condition bhi chala. Lekin what if you give mango to this fellow? Theek hai. Mango to Selena. If you give mango to Selena, what does that then? If Selena does not choose guava, then Daisy must choose mango. Does not choose guava. Okay, so this is obviously not guava. Here it must choose mango.
सो ओके सो आप देखो, अगर आप मैंगो यहाँ देते हो, इफेक्टिवली क्या होता है कि अगर आप इफ यू गिव मैंगो टू दिस पोजिशन, इफ सेलेना डज नॉट चूज गुआवा, सो व्हाट एम आई सेइंग, आई एम सेइंग कि आई आई वॉन्ट टू गिव सेलेना मैंगो, राइट? आई वॉन्ट टू गिव हर मैंगो, आई वॉन्ट टू गिव हर मैंगो विच इज डेफिनेटली नॉट गुआवा, देन डेजी मस्ट नॉट चूज मैंगो. डेजी इज नॉट चूजिंग मैंगो, शी इज एक्चुअली चूजिंग वट ऑरेंज. बट देर हैज टू बी सम कंस्ट्रेंट दैट इफ बिस्वा डज नॉट चूज एप्पल देन डेजी मस्ट चूज ऑरेंज. इफ बिस्वा डज नॉट चूज एप्पल देन डेजी मस्ट चूज ऑरेंज, दैट मीन्स डेजी ने ऑरेंज पिक कर लिया. ये मैंगो सेलिना वाला कंडीशन तो फुलफिल करता है, लेकिन इन दैट केस एप्पल वाला कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा. बेसिकली ये वाला जो है कंस्ट्रेंट, दैट इज ऑरेंज मैंगो, सॉरी और ओके, ऑरेंज तो यहाँ आ ही नहीं सकता, वहां पे तो गुआवा आता, राइट? हमने शायद थोड़ा गलती किया, हमें हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस थे, हमने नोटिस नहीं किया था. ओके, हो सकता है ये सब थोड़ा सा, लेकिन लॉजिक वही है, लॉजिक बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. तो अगर ही इज चूजिंग तो बचता है हमारे पास क्या, गुआवा एंड मैंगो, गुआवा एंड मैंगो. ठीक है, इफ दिस फेलो इज चूजिंग, ऑब्वियसली दिस इज, इफ दिस इज नॉट मैंगो, सो इफ दिस इज गुआवा, इफ दिस इज गुआवा एंड दिस इज मैंगो, इट कंप्लीटली इज करेक्ट, बिकॉज सेलिना डज नॉट चूज मैंगो, देन डेजी मस्ट चूज मैंगो, सो गुआवा एंड मैंगो वर्क्स. बट वट इफ दिस, यू नो, शी इज गेटिंग मैंगो ओवर देयर, सो इफ शी इज गेटिंग मैंगो ओवर देयर, सो शी विल हैव टू हैव दिस गुआवा. ओके, आई होप यू कैन सी दैट. एंड सेलिना नॉट गुआवा, देन डेजी मस्ट चूज मैंगो. नॉट गुआवा, मैंगो इज डेफिनेटली नॉट गुआवा. डेजी इज नॉट गेटिंग मैंगो, शी इज गेटिंग गुआवा. एंड द ऑरेंज कंडीशन दैट यू नो बिस्वजीत एप्पल एंड दिस पर्सन कंप्लीटली गेट सेटिस्फाइड. इफ डेजी चूजेस गुआवा, देन अमिता मस्ट नॉट चूज ऑरेंज. ओके, देर इज ऑल्सो वन मोर कंस्टेंट दैट इफ डेजी चूजेस गुआवा देन अमिता मस्ट नॉट चूज ऑरेंज. और अमिताभ का ऑरेंज ही तो हमने कंस्टेंट बनाया था, यानी ये वाला जो कंस्टेंट है ये भी नहीं चलेगा. क्या आप समझ पा रहे हैं कि अल्टीमेटली आउट ऑफ यू नो गोइंग थ्रू सो मेनी कंडीशंस, ओनली टू कंडीशंस आर वैलिड. आप मेरे से ये सवाल कर सकते हो कि सर ये कैट में अगर सवाल आ गया तो क्या, हाँ ऐसा सवाल आ सकता है, मॉक टेस्ट में भी ऐसे सवाल आएंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाएंगे. बस यही लॉजिक है कि आपको देखने हैं कि सारे कौन से कंस्टेंट यू नो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कौन से कंस्टेंट रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, बस उतना आपको देखना होता है. ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अपन अपन थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जस्ट अ सेकेंड. जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको कंसल्ट कर लूँगा. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द फोर पर्सन्स कैन चूज द फोर डिफरेंट फ्रूट्स, अभी हमने डिस्कस करा है और इसका आंसर होगा टू. ओके, इसका आंसर होगा टू, करेक्ट आंसर इज टू. हमने, और ये पॉसिबिलिटीज के ऊपर आता है, केसेस के ऊपर आता है कि कितने केसेस बन सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन चूजेज एप्पल, देखते हैं किसने चूज किया है. सॉरी, आप देख लो एप्पल किसने चूज किया हुआ है. एप्पल किसी और को मिल ही नहीं सकता, वो सिर्फ बिस्वा को ही मिल सकता है. ठीक है, तो दैट हैज टू बी बिस्वजीत, करेक्ट? विच अमंग द फॉलोइंग चूज ऑरेंज. अच्छा, ऑरेंज, ऑरेंज के लिए देर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमने अमिताभ को भी ऑरेंज दिया हुआ है और उसका एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. एक्चुअली जब हम इसको ऑरेंज देते हैं और डेजी को मैंगो देते हैं तब वो सेटिस्फाई होता है. तो ऑरेंज के लिए तो सीबीडी ही होना चाहिए, और सीबीडी है कैनॉट बी डिटरमाइंड. हाउ फॉर हाउ मेनी पर्सन द फ्रूट चूजन बाई देम कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड, कि फॉर हाउ मेनी पर्सन द फ्रूट चूजन बाई देम कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड.
देखिए इसमें अगर आप थोड़ा सा इसको अगर आप थोड़ा केयरफुली देखोगे ना, तो हमें सिर्फ बिस्वा के बारे में पता है, बाकी सारे लोगों को आप देख लो कि चेंज हो ही रहे हैं सबका कुछ ना कुछ। सेलिना का मैंगो भी आ रहा है, सेलिना का गुआवा भी आ रहा है, अमिताभ का गुआवा ऑरेंज आ रहा है, डेजी का आ रहा है ऑरेंज और मैंगो। सिर्फ एक ही इंसान, दैट इज बिस्वजीत, दैट इज बिस्वा के पास ही सिर्फ वो अपॉर्चुनिटी है कि वो यूनिकली डिटरमाइन किया जा सकता है। तो इसका आंसर एक ही होना चाहिए। या लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके सो अब हम लोग एक दूसरे सेट पे आ चुके हैं। तो आपने देखा कि हमने इसको ज़्यादा थोड़ा टाइम ले लिया एक्सप्लेनेशन के चक्कर में, लेकिन ये सॉल्वेबल है, 10 मिनट में सॉल्वेबल है। ओके सो दिस क्वेश्चन, राइट, लेट्स लुक इनटू दिस क्वेश्चन। इन ऑल 12 एम्प्लॉयज वर्क इन अ कॉल सेंटर इन 3 शिफ्ट्स। विजुअलाइज 7 AM to 3 PM, 3 PM to 11 PM एंड 11 PM to 7 AM। देर आर ओनली 4 वर्किंग कैबिन्स, ईच ऑफ विच इज ऑक्यूपाइड बाई ओनली 1 पर्सन एट अ टाइम। सम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एज फॉलोज, द एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट विद द सेम लेटर। अच्छा, जब ये चीज़ बोलेगा ना कि द एम्प्लॉयज हुज नेम स्टार्ट विद द सेम लेटर डू नॉट वर्क इन द सेम शिफ्ट और इन द सेम कैबिन, आंख बंद करके, ये आपका, यही आपका सबसे बड़ा क्लू है या सबसे बड़ा हिंट है कि ये सुडोकू है। अगर ये चीज़ नहीं देता तो फिर ये, पहली बात तो ये सॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस बन जाते हैं। ये बोल देना कि सेम नेम और सेम शिफ्ट, सेम नेम वाले बंदे सेम शिफ्ट और सेम केबिन कैबिन में नहीं बैठ सकते, यही आपका बहुत बड़ा वो है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके सो इसमें क्या है ना कि इसमें एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि पॉसिबिलिटी है कि इस पे भी हो सकता है मल्टीपल केसेस बन जाए, बट फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि जितना इन्फॉर्मेशन हमारे सामने दिया हुआ है हम उस इन्फॉर्मेशन के साथ काम करें। ठीक है ना, और बिना क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करे हुए हम, क्योंकि क्वेश्चंस तो खैर सॉल्व हो ही जाएंगे, हम इसको एज अ LR पजल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक सुडोकू टाइप का सेट है, और इस सुडोकू टाइप के सेट को समझने के लिए ऑब्वियसली वील हैव टू मेक सम डायग्राम्स। सो वट आई कैन सी, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाए तो फिर मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। खाली अगर आपको ये स्केमेटिक अगर समझ में आ जाए, ये स्केमेटिक, अगर ये स्केमेटिक नहीं समझ में आएगा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी, और हो सकता है कि इससे आप सॉल्व भी ना कर सको। आई होप ये विजिबल है अच्छे से। ठीक है, जितना अच्छा हो सकता था मैंने ग्रिड बनाने की कोशिश करी है। बाकी अब क्या है ना कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कैबिन्स को इधर लिखने का, टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और शिफ्ट्स को इधर लिखने का। आइडियली तो मुझे थोड़ा और अच्छे पेन कलर यूज़ करना चाहिए था, बट ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप लोग। या लेट मी जस्ट डू दैट, शिफ्ट्स, ओके, और दिस इज कैबिन। सो कैबिन को मैं ABCD लिख देता हूँ, और शिफ्ट्स को तो डेफिनेटली ये तो दिया ही हुआ है कि 3 से, पहला शिफ्ट है 7 से 3, सो 7 से 3, दूसरा आई थिंक है 3 से 11। वैसे ये कॉल सेंटर में 7 से 3, 3 से 11 का शिफ्ट कभी होता नहीं है, बट स्टिल आई मीन अगर ये बोल रहे हैं तो, और लास्ट है 11 से सुबह के 7 बजे तक। यहाँ पे ये अगर आप नहीं भी लिखते और आप इसको अल्फा बीटा गामा लिख देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब मैं इसको ज़्यादा इसोटेरिक नहीं बनाना चाहता, इसीलिए मैं उस तरह के चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगर कुछ डिडक्शंस हम इसके साथ कर सके तो हम डिडक्शंस करते जाएंगे। जैसे पहला तुम पढ़ोगे, पहला अगर तुमने पढ़ा, द एम्प्लॉय हुज नेम स्टार्ट विद दिस थिंग सेम लेटर डू नॉट वर्क इन द सेम शिफ्ट सेम केबिन, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये तो सुडोकू समझाने के लिए है। ठीक है, दूसरा क्या है कि विकी रोज एंड तपन वर्क इन द सेम केबिन,
ठीक है, आप एक चीज नोटिस करना, 12 एम्प्लॉय है तो नाम बहुत सारे होंगे। केयरफुली एक बारी नाम को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना, मुझे जरूरत नहीं है। तो या उसके बाद क्या कहता है कि सेम कैबिन का मतलब होता है कि इस तरह या तो तीनों आ जाएंगे, या इस तरह आ जाएंगे, या इस तरह आ जाएंगे, ये तीनों विकी रोजन तपन सेम कैबिन। सेम शिफ्ट का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सेम कैबिन का मतलब है वर्टिकल, कैबिन का मतलब है, और शिफ्ट का मतलब है हॉरिजॉन्टल। अभी ये दोनों स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कुछ भी नहीं इससे निकल के आएगा। विकी रोजन तपन वर्क इन द सेम कैबिन, एमी तपन नैन्सी इन द सेम शिफ्ट, कौन सा शिफ्ट कुछ नहीं पता, ठीक है। इसका आप क्या, यू कैन डू एनीथिंग विद दैट। लॉरी वर्क्स इन द सेम कैबिन एज दैट ऑफ एमी, आई वुड कॉल दिस पर्सन एमी एंड नॉट एमी, एमी, एंड शी वर्क्स इन द सेम शिफ्ट एज अमीन डज, अमीन डज। ओके ग्रेट, नो इन्फॉर्मेशन, जस्ट यू नो प्योर इंस्ट्रक्शन, नथिंग। आना, विक्की एंड मारिया वर्क इन द सेम शिफ्ट, केशव वर्क्स इन द सेम कैबिन एज रॉनी एंड कम एट 7 AM। ना ये एक चीज़ है जहाँ से मुझे एटलीस्ट कुछ तो पता चला कि केशव जो है वो 7 बजे आता है, कम्स एज रोमी, ओके, वर्क्स इन द सेम कैबिन एज रोमी एट 7 AM व्हेन रोमी लीव्स आफ्टर कंप्लीटिंग हर शिफ्ट। बेसिकली रोमी अगर सुबह के 7 बजे निकल रही है तो 11 से 7 का उसका शिफ्ट होगा डेफिनेटली, ये तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 7 AM एंड दिस थिंग, तो हमने इसको यूटिलाइज कर लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। रोज चूजेस टू वर्क इन द शिफ्ट 7 to 3 और 3 to 11। अब एक चीज हमें पहले ही बता दिया गया था कि द इम्प्लॉयज हुज नेम स्टार्ट विद द सेम लेटर डू नॉट वर्क इन द सेम शिफ्ट और द सेम कैबिन। बेसिकली आर नाम का कोई भी पर्सन यहां नहीं आ सकता है, ठीक है। और हमें इस पॉइंट में क्या कहा गया है कि रोज चूजेस टू वर्क द शिफ्ट, वर्क इन द शिफ्ट 7 AM to 3 और 3 to 11। 7 to 3, 3 to 11, तो रोज के लिए ये पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, रोज इन दोनों में से कोई एक में आ सकता है, ठीक है। अभी आइडियली एग्जाम कंडीशन में आपको एक और टेबल बना करके वो चेक करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फिर से अपने आपको रिपीट करता हूँ। एग्जाम कंडीशन में आपको दो टेबल्स बना के चेक करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी एक पोजिशन को रोज मान के आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि अगर आप कहीं भी फंसते हो तो बस याद रखना कि आपने किस पोजीशन को रोज माना था, उसको पूरा कट कर देना, फिर से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब तुम ये बोलोगे कि सर लेकिन इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। प्रैक्टिस तो इसीलिए हम कर रहे हैं ना, हम प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं। तो लेट्स डू दिस थिंग, क्वेश्चंस बता देता है कि हम गलत करने वाले हैं या सही करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं इस रोज़ के चैप्टर को क्लोज कर देना चाहता हूँ। मैंने उसको 7 से 3 का शिफ्ट जो है मैंने उसको फिट कर दिया, मैंने अपने कॉपी में कहीं पे लिख दूंगा कि रोज इज 7 to this thing। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड सर्टन अदर थिंग्स। विकी रोज एंड तपन इन द सेम कैबिन, ओके, सो विकी एंड तपन। अब तुम बोल सकते हो कि सर आपको कैसे पता कि विकी यही है तपन यही है। मुझे नहीं पता, तपन कुड वेरी वेल बी इन दिस पोजिशन एंड विकी कुड वेरी वेल बी इन दिस पोजिशन, आई एम जस्ट मेकिंग अ केस। तो जब आप केसेस बनाते हो तो आइडियली आपको इस तरह कर देना चाहिए। तो चलो आपके लिए मैं कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इरेज करना डिफिकल्ट होता है इसलिए मैं ज़्यादा लिखना पसंद नहीं कर रहा था, बट स्टिल आपको अगर कॉपी में आप करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। हमने सॉर्ट कर दिया सेम कैबिन वाला सिचुएशन को भी, विकी तपन एंड विकी रोजन तपन को हमने सॉर्ट कर दिया किसी एक केबिन में। एमी तपन एंड नैन्सी वर्क इन द सेम शिफ्ट। अच्छा, एमी तपन एंड नैन्सी, सो इफ तपन इज देयर, एमी तपन एंड नैन्सी, यू कैन पुट दिस पर्सन ओवर देयर, या यू कैन डू दैट। ओके, एम आई मिसिंग समथिंग? लॉरी वर्क्स इन द सेम कैबिन एज दिस वन, रोमी कंप्लीटिंग अ शिफ्ट, इज देयर एनी थिंग विच इज नॉट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मुझे लग रहा है कि कुछ इसको जूम करने के चक्कर में कुछ गया तो नहीं ना। ओके, या सब करेक्ट ही है।
ठीक है, पढ़ते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं. लेट मी चेंज द कलर, लेट्स यूज वाइट. या सो वन बाय वन वी आर लुकिंग इनटू द केसेस. विकी रोज तपन को हमने कैबिन दे दिया. एमी तपन एंड नैन्सी वर्क इन द सेम शिफ्ट. अभी वेट करते हैं, इसको थोड़ा सा होल्ड ऑन करते हैं. लेट्स यू नो, लॉरी वर्क्स इन द सेम कैबिन एज एमी एंड शी वर्क्स इन द सेम शिफ्ट एज अमीन. ओके, नाउ द प्रॉब्लम दैट आई हैव टू फिक्स अ पोजिशन फॉर विकी एंड तपन. ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग विथ माई गट फीलिंग. यू कैन चेक दिस थिंग, आप इसका एक और बना करके आप चेक कर सकते हो. मैं अपने गट फीलिंग के साथ यहाँ पे विकी और यहाँ पे तपन लिखता हूँ. अगर गलत, अगर मुझे लगा कि आई एम मेकिंग अ एरर, तो मैं फिर से इसको ये कर दूंगा. बिकॉज विदाउट यू नो पुटिंग द नेम्स इन दिस ब्रैकेट्स हमें पता नहीं चलेगा. बिकॉज मैं यहाँ पे दो ग्रिड बनाना नहीं चाहता, उतना जगह भी नहीं है. ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया विकी एंड तपन को. तो एमी तपन एंड नैन्सी वर्क, एमी तपन एंड नैन्सी. सो एमी एंड नैन्सी, सपोज आई पुट नैन्सी, एमी एंड नैन्सी. ओके, सो आई हैव टू बी केयरफुल. सो लेट्स जस्ट से आई पुट नैन्सी ओवर देयर एंड एमी ओवर देयर. ओके, I'm just putting them randomly now because I have to just add them into the same shift. So Amy, Tapan and Nancy are in the same shift. What else? Laurie works in the same cabin as Amy. Okay, Laurie is also there, right? So Laurie should be somewhere over there. So why not just put Laurie over there? Laurie is there. So Laurie works in the same cabin as Amy and she works in the same shift as Amin. Ab yahan pe agar aap Laurie ko daloge to aap Amin ko idhar dal sakte ho aur fir यहाँ पे. ठीक है, ओके. एक चीज आप अगर नोटिस किए हो तो आपको ये चीज बड़ा अच्छे से देखना चाहिए. ये रोज और केसर बोल के एक बंदा है, ये केशव नहीं है, ये केसर है. मैं ये चीज यहाँ पे मैं समझ नहीं पा रहा था. रोज एंड केसर डू नॉट वर्क इन द सेम शिफ्ट, और वो हो भी नहीं सकता कि मैंने रोज को यहाँ डाला है तो केसर तो यहाँ आ भी नहीं सकता. बिकॉज केशव इज ऑलरेडी देयर. सो दैट इज वाई आई एम पुटिंग लॉरी ओवर देयर. ओके, लॉरी इन द सेम कैबिन एज एमी एंड शी वर्क्स इन द सेम शिफ्ट एज आमिन. आमिन के लिए और कोई जगह है नहीं, हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं. अब हमारे पास बचता है कौन? अब हमारे पास बचता है केसर बचा हुआ है और कुछ लोग बचे हुए हैं. एमी तपन एंड नैन्सी इन द सेम. एमी तपन एंड नैन्सी का हमने सॉर्ट कर दिया है सेम शिफ्ट पे, तो ये भी सॉर्टेड है. लॉरी वर्क्स इन द सेम कैबिन एज एमी. लॉरी एंड शी वर्क्स इन द सेम शिफ्ट एज आमिन. इसको भी हमने सॉर्ट कर दिया है. आना विकी एंड मारिया इन द सेम. आना विकी मारिया. ओके, नाउ सी यू कैन नॉट पुट आना ओवर देयर बिकॉज ऑफ एमी. सो आई एम जस्ट पुटिंग आना विकी एंड मारिया. आना विकी एंड मारिया को हमने सॉर्ट कर दिया. आना विकी मारिया इन द सेम शिफ्ट एंड या दैट्स इट. लेकिन एक हमारा फ्रेंड फिर भी बच रहा है. ओ, हमारा जो फ्रेंड बच रहा है दैट इज केसर. रोज एंड केसर डू नॉट वर्क इन द सेम शिफ्ट. रोज और केसर अगर सेम शिफ्ट में काम नहीं करते तो केसर को हम यहाँ डाल देते हैं. और आप देखो कि कोई भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेम नहीं है, सारे अलग अलग हैं. लेकिन ये चीज क्वांटिफाई करके बताना कि आना यहीं बैठेगा, मारिया यहीं बैठेगा, इस पे डिबेट कर सकते हो. बिकॉज मारिया कैन वेरी वेल कम टू दिस पोजीशन, आना कैन वेरी वेल कम टू दिस पोजीशन. तो और केसर का भी, ठीक है. रोज के लिए भी आप एकदम 100% एक्यूरेटली बोल नहीं सकते कि रोज इज इधर इन दिस पोजिशन और दिस पोजिशन. बिकॉज आई एम नॉट श्योर. बिकॉज आपको पता है कि 7 से 3 और 3 से 11 के बीच में रोज का शिफ्ट है. हमने सिर्फ केस 1 को कंसिडर करा है. सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसमें मल्टीपल केसेस बन जाए. तो ये एक अच्छा केस लेट है, इसको डेफिनेटली सॉल्व करो. और इसके ऊपर मैं एक एलेबरेट वीडियो बना दूंगा. अभी तो मैं यू नो दो तीन वीडियोज ऐसी मेरा मन कर रहा है सॉल्व करने का. वीडियो बोल रहा हूँ, दो तीन DI सेट्स मेरे को DI हो LR हो सॉल्व करने का. स्पेसिफिकली LR सॉल्व करने का मन कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको पकड़ रहा हूँ. बट ठीक है, ये कोई ऐसा बन जाएगा. क्वेश्चंस देखते हैं थोड़ा सा. हमने टेबल तो फिल कर ही दिया है, क्वेश्चंस को देखते हैं. ठीक है, गिव मी वन सेकेंड.
ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट वर्क इन द सेम शिफ्ट. सो आई थिंक एना केसर इज देयर, राइट? एना केसर इज देयर, या एना केसर इज देयर. एमी रॉनी इज ऑल्सो देयर. एमी एंड रॉमी इज ऑल्सो देयर. एमी एंड रॉनी, लॉरी एंड रॉमी. या लॉरी इज नॉट देयर. लॉरी इज ओवर देयर, रॉमी इज देयर. सो हाँ, ये थोड़ा सा पंगा है. और आप देखो कि यहाँ पे आपको कैनॉट बी डिटरमाइन दिख ही नहीं रहा है. तो कैनॉट बी डिटरमाइन नहीं है तो कोई एक केस है. मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि किसी भी एक केस को अगर आप सॉल्व कर दो तो एक दो पोजीशंस उसके हिल सकते हैं, बट सारे नहीं हिलेंगे. तो जो यूनिवर्सल क्वेश्चंस होंगे, जो डेफिनेटली आप जिनको कैलकुलेट कर सकते हो, या जो डिडक्टिव लॉजिक के थ्रू आप जिनके यू नो जिनको जा सकते हो, जिनके ऊपर जा सकते हो, वो यूनिवर्सल है. तो लॉरी रोमी इज गोइंग टू बी द आंसर, आई थिंक. या नेक्स्ट वन, हु वर्क्स इन द कैबिन एज अमीन एंड कम्स टू द कॉल सेंटर व्हेन अमीन लीव्स. अब द प्रॉब्लम दैट आई हैव इज देयर इज अ कैनॉट बी डिटरमाइंड. हु वर्क्स इन द कैबिन एज अमीन, ठीक है, केसर एंड नैन्सी, एंड व्हेन अमीन गोज. सो व्हेन अमीन गोज, केसर इज कमिंग, ठीक है. द प्रॉब्लम विद केसर इज दैट हमने अभी बताया था कि ये जो केसर बंदा है ना, ये रोज के साथ इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है. रोज एंड केसर डू नॉट वर्क इन द सेम शिफ्ट. तो ये जो रोज को ही हमने क्वांटिफाई नहीं करा है. मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने ये चीज़ क्वांटिफाई नहीं किया. ये तो सिर्फ केस वन है. केस वन में रोज का ये पोजीशन है, बट केस टू कुछ और हो सकता है. तो क्योंकि मल्टीपल केसेस पॉसिबल हैं तो इसको कैनॉट बी डिटरमाइंड ही होना चाहिए, ठीक है. दूसरे पे चलते हैं. डैश डज नॉट वर्क इन 11-7 शिफ्ट. विकी, रॉमी, नैन्सी, तपन. 11-7 में कौन नहीं है? विकी इज नॉट देयर, राइट? विकी इज 3-11 में है. या सो दैट इज करेक्ट. द शिफ्ट ऑफ वर्किंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द 12 पीपल मेंशन्ड कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड. अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे ये भी आप लिख देना कि कैनॉट बी डिटरमाइन. ऐसा नहीं है. आप एक चीज ध्यान से समझो. यूनिकली तो हमने सारा डिटरमाइन कर लिया. यूनिकली तो सारा डिटरमाइन कर लिया ना, लेकिन मल्टीपल केसेस बन सकते हैं. आप समझने की कोशिश करो बात को, कि मल्टीपल केसेस बन सकते हैं पोजीशंस के, रोज के ऊपर. और अगर हम रोज को शिफ्ट कर दें, अगर आना मारिया को शिफ्ट कर दें, इधर उधर करें, तो मल्टीपल केसेस बन सकते हैं, बट यूनिकली तो डिटरमाइन किया जा सकता है. तो क्वेश्चन इन दैट सेंस इज ऑल द 12 कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड. दैट मेक्स सेंस. आई होप दैट मेक्स सेंस. ओके, द लास्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वर्क्स इन 3-11 PM. 3-11 में कौन काम करते हैं देखते हैं जरा. मुझे लगता है मारिया इज देयर. 3-11 में मारिया इज देयर. विक्की, अमन, केसर. या आना, विक्की, मारिया, केसर. मारिया हैज टू बी माय बेस्ट चॉइस एंड मारिया इज देयर. सो यप. हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स इन द 11-7 AM शिफ्ट. 11-7 में कौन है? 11-7 में कौन है? रोमी, तपन, एमी, नैन्सी. Nancy is there, right? Nancy. So yeah, that's it. I think ये दो सेट हमने सॉल्व कर लिया है इन 38 minutes, which is almost good. It's not that bad. तो अगर CAT में भी आप 38 मिनट में सॉल्व कर पाओ तो अच्छी बात है, आप अच्छा कर लोगे, ठीक है. तो guys, क्या करना है? वीडियो को यहीं कंक्लूड करना है कि थोड़ा सा कुछ और भी क्वेश्चन वगैरह देखें. लेकिन डोंट वरी, अभी तो मैं सिर्फ ऐसा, जैसे मैंने कल वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं सेशंस लेके आऊँगा, तो सेशंस आ रहे हैं. और मैं इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर मैं इनडेप्थ कोशिश करूँगा कि इसका एनालिसिस दे दूँ, ठीक है. इसका क्या एक्सप्लेनेशन है मुझे नहीं पता, लेकिन अरे या सो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है मुझे नहीं पता. बट वन थिंग दैट आई नो फॉर अ फैक्ट कि हमने इस तरह से तो सॉल्व नहीं किया है, ठीक है. हमने कुछ और ही दिमाग लगाया है. आइडिया वैसा ही है, लेकिन आप देख सकते हो कि मारिया, केसर एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें थोड़ी से यहाँ पे आप देख सकते हो कि मारिया एंड केसर पे इन्होंने वो करा हुआ है. तो केसेस बन सकते हैं. अब मैं
देखना चाहता हूँ कि इसका मतलब जब आराम से आप बैठ के सॉल्व करोगे तो इसके मल्टीपल केसेस जो हैं कितने केसेस बन सकते हैं। तो मैं इसको देखूंगा, मैं इसको आराम से सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए एक वीए पे चलते हैं, वर्बल एबिलिटी सेक्शन एक रीड करते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा मेरे साथ रीड करो, यू गाइज विल एंजॉय इट। सो लेट्स रीड दिस थिंग। पहले तो क्लटर क्लियर कर दूँ, अगर कोई इम्पोर्टेंट हाईलाइट करना होगा, बताना होगा, ज़रूर बताऊँगा। सो फर्स्ट पैरा, लेट्स रीड दिस। आई एम जस्ट रीडिंग दिस फॉर सम सेंस। ओके, व्हेन अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम कॉजेज मोर डैमेज देन द प्रॉब्लम, पॉलिसी मेकिंग हैज गॉन ऑरी। दैट्स वेयर वी ऑफ्टन फाइंड आवर सेल्स विद ग्लोबल वार्मिंग टूडे। एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड वॉच आर्ग्यू दैट हायर टेम्परेचर विल मेक मोर पीपल हंग्री, सो ड्रास्टिक कार्बन कट्स आर नीडेड। बट अ कॉम्प्रिहेंसिव न्यू स्टडी लेड बाई द रिसर्चर्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड एनालिसिस हैज फाउंड दैट स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन वुड कॉज फार मोर हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज इट्सल्फ। तो आप देखो, इट स्टार्टेड विद अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन दैट वेन सल्यूशन टू अ प्रॉब्लम कॉजेज मोर डैमेज दैन द प्रॉब्लम इट सेल्फ। सो बेसिकली वी विल बी, यू नो, द पैसेज विल बी अबाउट अ सोल्यूशन एंड इट विल ऑल्सो डेफिनेटली विल बी अबाउट द प्रॉब्लम। सो एंड आई एम होपिंग दैट द प्रॉब्लम इज ग्लोबल वार्मिंग और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड द सोल्यूशन दैट दीज गाइज आर प्रोवाइडिंग फॉर दैट ग्लोबल वार्मिंग सिचुएशन इज इवन मोर ड्रास्टिकली प्रॉब्लमैटिक दैन द प्रॉब्लम इट सेल्फ। The scientist used eight global agri models to analyze various scenarios from between now and 2050. These models suggest, on average, that climate change could put an extra 24 million people at risk of hunger. But a global carbon tax would increase food prices and push for 78 million more people into risk of hunger. The area expected to be most vulnerable are sub-Saharan Africa and India, trying to help 24 million people in imperiling 24 million by imperiling 78 million lives is a very poor policy. Now, exactly tell me what is this 24 million? So these models suggest on an average the climate could put an extra 24 people on an hunger this thing. Okay, so hunger can get created. Hunger will get created because of the global carbon tax. Okay, interesting. Let's read ahead. Okay, let's read ahead. Now, what is it that they are saying? They're saying that if we want to eradicate hunger, there are more efficient ways. Around 800 million people are undernourished today, mostly because of poverty. The single most significant initiative that could be undertaken is not a policy that slows the global economy, but the ones that cuts poverty and a global trade deal. The Doha Free Trade Deal was allowed to collapse within a fraction of attention given to global climate change. Negotiations reviving Doha would leave an extra this people in poverty, according to Research Commission Copenhagen. Meanwhile, flawed the Paris Agreement, which is close to what we have for a global scheme, will achieve at best merely 1% of what would be needed to keep the temperature rises under 2%. According to UN, it will cost $1 trillion to $2 trillion annually. This is money that can't be spent on improving nutrition, health, or education. I don't know if they're saying it. If they're saying it, like a, you know, like they're poking into something, or they're just usually concerned. When comparing the massive cost of slides, now if you realize, basically I'm reading and this is a big passage. This is a big passage. So I'm just continuously reading and I am able to retain a few points. Let's see if I am able to solve the passage with those retention only. I'll not go back to the passage. And if I make errors, completely fine. Okay, I'll forgive myself for that because I've already solved two DI, not DI, LR sets. Let's read this one. When comparing the massive cost with slight delay in climate change, each dollar spent delivers just in 3 cent climate this thing. The lower hurricane damage, fewer heat waves, less agri stress, forcing poor countries to reduce emission does even more harm because cheap, abundant energies brings prosperity
aside from the immorality of obliging poor nation to avoid policies that would reduce poverty, the big problem with focusing carbon cuts is the green energy is not yet savior that is portrayed as. अच्छा इसमें एक बड़ा interesting idea इन्होंने बता दिया. The problem with forcing carbon cut is that green energy is not yet the savior that is portrayed. Even after decade of heavy investment in subsidies to support green energy production, costing more than $150 billion this year, the International Energy Agency finds that wind provides 0.6% and solar this percent by 2040. Even if all the grand promises and Paris Agreement climate change were to be fulfilled, the IEA finds the figure will inch up to just 2.1% to 1.5%. Basically, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा अगर हमने वो सारा टेस्ला फेस्ला बहुत यू नो ग्रीन इनिशिएटिव के थ्रू हमने कोशिश किया तो आपको रियलाइज होगा. मैंने अभी बोला टेस्ला फेस्ला ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैं अपने दिमाग में ये चीज़ एनालॉगस रिटेंशन के लिए मैं एक एनालॉजी क्रिएट कर रहा हूँ और एनालॉजी टेस्ला के साथ क्रिएट कर रहा हूँ कि टेस्ला क्या है, एक बैटरी ड्रिवन कार है और उस बैटरी ड्रिवन कार से कुछ होता नहीं है. दैट इज़ वाई दिस इज दी यू नो दिस इज समथिंग दैट आई कीप डूइंग. वी नीड टू गेट स्मार्टर अबाउट क्लाइमेट चेंज. सर्वे ऑफ 27 टॉप क्लाइमेट इकोनॉमिक्स कंक्लूडेड दैट द लास्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ग्रीन एनर्जी R&D. For every dollar spent, okay. So basically, what they are saying is, climate economists concluded that the best long-term investment is in green energy R&D, research and development, right? For every dollar spent, $11 of climate change would be avoided. हर dollar के बाद $11, अगर हम ये चीज कर पाएं, investment कर पाएं R&D में, green energy के R&D में, then for every dollar that will be spent, $11 of the climate change would be avoided. Climate damage would be avoided. That makes much more sense than today's climate approach, which mostly does more harm than good. Basically, ये more harm जब बोलता है, तो वो क्या है? What is it that you know that's more doing more harm than good? Basically, you know, forcing the low-level countries or countries like India, Bangladesh, Pakistan. Pakistan is a rogue country, but I'm what I'm getting at. So जब उन देशों को वो कहते हैं कि आप कार्बन कट्स करो और आप टैक्सेस बढ़ाओ, ये करो वो करो, ग्रीन हो जाओ, उससे कुछ होता नहीं है, डेवलपिंग कंट्री में बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं. द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू प्रूव द पेरिस डील वोंट हैव एनी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग बट दोहा फ्री ट्रेड डील विल. क्वेश्चन द ऑथेंटिसिटी ऑफ क्लाइमेट क्लेम, क्रिटिसाइज द एग्जिस्टिंग मेथड एंड हैंडल द क्लाइमेट चेंज एंड सजेस्ट ऑल्टरनेटिव्स. सो देखो, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद मेरे को एक ही चीज़ रियलाइज हो रहा है कि दे आर एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग द एग्जिस्टिंग मेथड्स, दैट दे जस्ट डू नॉट वॉन्ट द यू नो डेवलपिंग कंट्रीज टू यू नो कट ऑन देयर फ्यूल कंजम्पशन एंड ऑल दैट. आई डोंट नो फ्यूल कंजम्पशन वर्ड यूज़ करना सही होगा कि नहीं, बट आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक टू द पैसेज. आई एम आंसरिंग दिस question based on my retention, so I have tried to retain this much. Highlight the inaccuracy of the claim that global warming is the most pressing environmental issue of our time. Actually, this is not inaccurate, so goes out. Question the authenticity of climate change claim, goes out. Not you know questioning anything. Prove that Paris deal won't have any positive effect on global warming. They are actually hoping ki kuch ho jaye uska badhiya, but aisa kuch hai nahi. So this also goes out. So this is the best case possible. Let's see the answer. Yep, the next one. All of the following statement are true according to the passage except green technology. Okay, इसमें गलती होने के chances है, because मैं इसको critical reasoning के जैसे मैं solve करूँगा नहीं, मैं इसको retention के जैसे solve करना चाहता था, but let's see, let's do it any which ways. All of the following statements are true according to the passage except, अच्छा, सारे statement जो हैं वो true हैं, all this basically three true, one false, and one false is my answer. Green technologies aren't competitive yet. Yeah, true. Government should focus on driving down prices of renewable energy through innovation. Should focus on driving down prices of renewable energy. I don't know. Global warming is not the main environmental threat. Oh my God, this is a very heavy claim. Global warming is not the main environmental threat. Is it that? Global warming is the threat. Global warming is the threat. Yeah. आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं, इसमें मैं इसमें क्या eliminate करूँ?
पूरा पैसा जो है गलत हो जाएगा अगर इसको अभी आप एलिमिनेट करने का सोचोगे तो। ठीक है ना, आप देख पा रहे होगे मैंने किया क्या। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका सेंट्रल मेन आइडिया जो है, अगर आप मेन आइडिया को ही एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे तो पूरा पैसेज एलिमिनेट हो जाएगा। तो या गुड जॉब सो मचित, यू आर डूइंग गुड। या अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस स्टेटमेंट शुड द ऑथर अप्रूव ऑफ। ओके, सो बेसिकली वी हैव टू लुक एट द स्टेटमेंट थ्रू द लेंस ऑफ द ऑथर, राइट? सो विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द स्टेटमेंट्स वुड द ऑथर अप्रूव ऑफ। एन ऑथर इज बेसिकली, वी नो वट द ऑथर इज कमिंग फ्रॉम। फूड क्रॉप्स आर रिप्लेस्ड टू प्रोड्यूस इथेनॉल विच इज क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी देन फॉसिल फ्यूल। एक्चुअली वी डोंट नो एनी थिंग अबाउट दिस, सो दिस इज एक्चुअली आउट ऑफ स्कोप। बांग्लादेश शुड कट कोल एक्सपेंशन एज दिस वुड डिलीवर ग्लोबल क्लाइमेट बेनिफिट नियरली दिस थिंग। बांग्लादेश को अगर कट करना पड़े सो दिस इज समथिंग दैट द ऑथर वुड नॉट अप्रूव ऑफ, क्योंकि अभी उसने बोला है कि यार डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं दे आर एक्चुअली फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ एन यू नो हीट बिकॉज ऑफ दिस ऑल डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज शुड कंटिन्यू टू यूज फॉसिल फ्यूअल नॉट विथ स्टैंडिंग एमिशंस। हाँ ये हो सकता है, दिस इज अगेन मतलब वही जो थॉट आ रहा है, तो ये हो सकता है डेफिनेटली। दिस इज समथिंग दैट द ऑथर विल अप्रूव ऑफ। इमीडिएट रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कैन सब्सटैंशियली रिड्यूस द रिस्क ऑफ एसोसिएटेड ह्यूमन इंड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। देखो इमीडिएट रिडक्शन हो सकता है क्या? इफ इमीडिएट रिडक्शन इज अ पॉसिबिलिटी तो फिर ग्रीन पेरिस एग्रीमेंट और ये सब करने का जरूरत क्या है? सो माई बेस्ट पिक इज दिस वन, आई डोंट नो इफ आई विल बी करेक्ट। या द ऑथर डिस्कसेस द फाइंडिंग्स ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी टू डेमोन्स्ट्रेट दैट विंड एंड सोलर आर एक्सपेंसिव एनर्जी रिसोर्सेज एंड दस मेक इनएफिशिएंट ग्लोबल वार्मिंग पॉलिसीज। सोलर पैनल्स एंड विंड टर्बाइन्स कैनॉट ब्रिंग मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। इट इज इमोरल टू बर्डन पुअर नेशंस बाय रिक्वायरिंग देम टू हेविली सब्सिडाइज दिस थिंग लाइक सोलर एंड विंड। एक्चुअली द पॉइंट यही है, इफ यू लुक इन टू द पैसेज ना, ही इज सेइंग दैट इट इज इमोरल टू बर्डन पुअर नेशंस बाय, बट लेट्स सी ये पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ग्रेटर देन 150 बिलियन डॉलर स्पेंट एवरी ईयर ऑन सपोर्टिंग सोलर एंड विंड प्रोडक्शन कुड बी यूटिलाइज टू सेव इम्प्रूव मोर लाइव्स पर डॉलर ऑफ एक्सपेंडिचर। ओ वाओ, द फंडिंग डेमोंस्ट्रेट दैट। आई मीन आई एम कंफ्यूज, दिस वन इज अ डिफिकल्ट वन, दिस वन इज अ डिफिकल्ट वन, क्योंकि बिटवीन बिटवीन सी एंड डी, बिटवीन सी एंड डी आई एम अ बिट कन्फ्यूज। सोलर पैनल एंड विंड टर्बाइन कैनॉट ब्रिंग मिलियन पीपल आउट ऑफ टर्बाइन, दिस इज नॉन सेंसिकल। विंड एंड सोलर आर एक्सपेंसिव एनर्जी रिसोर्सेज एंड दस मेक इनएफिशियंट ग्लोबल वार्मिंग पॉलिसीज। दे आर दे एक्सपेंसिव एंड इनएफिशियंट? नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट गोज आउट। इट इज इमोरल टू बर्डन पुअर नेशन बाय रिक्वायरिंग दैट टू हेविली। इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा पीछे, आई हैव टू गो बैक। इसको रिटेंशन से मैं आंसर नहीं कर सकता, आई हैव टू गो बैक टू द पैसेज, आई हैव टू रीड बिकॉज आई थिंक। अच्छा मैं अगर रिटेंशन यूज करने की कोशिश करूँ, अच्छा यहाँ पे तो दिया हुआ था इंटरनेशनल एजेंसी फाइंड दैट इफ ऑल द ग्रैंड प्रोमिस इंच अप टू दिस थिंग एंड दिस। हाँ तो अगर वो है तो पॉसिबली ये आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इमोरलिटी का तो कोई बात हो नहीं रहा है, उस वजह से भी नहीं। वी नीड टू गेट स्मार्टर एंड दिस एंड दैट। या सो आई एम जस्ट टेकिंग अ पिक, मैं ज़्यादा इसको पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, बट आई एम जस्ट टेकिंग माई पिक। सो आई एम गोइंग विद दिस वन, आई एम गोइंग विद दिस वन। आई डोंट नो इफ आई विल बी करेक्ट, मे बी आई विल बी नॉट। ओके, विंड एंड सोलर आर एक्सपेंसिव एनर्जी सोर्सेज एंड दस मेक इनएफिशिएंट। तो हो सकता है मैं पीछे जा करके अगर देखता तो शायद आई वुड हैव एलिमिनेट भी करता। तो मैंने पिकिंग, आप देख रहे हो ना, मैंने एक क्वेश्चन को पिक करने की कोशिश किया तो वो गलत हो गया। एलिमिनेट कर करके ही क्वेश्चंस को आगे बढ़ना चाहिए। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द करंट क्लाइमेट पॉलिसी। द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज वुड बी कैप्ड एट बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द करंट क्लाइमेट पॉलिसी। करंट क्लाइमेट पॉलिसी, अब देख रहे हो मेरे को पीछे जाना ही पड़ रहा है। मेरा मन नहीं था इसमें पीछे जाने का, बट स्टिल या सो आई थिंक दिस इज वेयर आई कैन फाइंड समथिंग।
Copenhagen consensus, meanwhile, the flawed Paris Agreement, which is the closest we have to global scheme, will achieve at best merely 1% of what would be needed to keep the temperature rises under 2%, 2 degrees Celsius. According to the UN, it will cost this and this. Which is not a consequence of the current this thing. The global temperature increase would be capped. So this is not a consequence of the current this thing. This is not a consequence. So ये मेरे को देख करके ही थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है. Global temperature increase would be capped at below this thing. What they have said is that will achieve at best merely 1% of what would be needed to keep the temperature under 2%. So that was not a this thing. That was not a consequence. But let's read the others any which ways. Climate taxes could lead to more food insecurity than climate change itself. Poor countries need to trade off economic development for reduced carbon emission out of context. Only a meager part of the expense spent for climate benefit is turned into good account. Between C and D, between C and D again. Which of the following is not a consequence of? Only a meager part of the expense spent on climate benefit is turned into good account. ये good bad ugly का तो बात ही नहीं है. Consequence के लिए this can have a better tone. Yeah, so I would have marked this one and moved ahead. इतना time में खाली ये tone के लिए मैंने इसको eliminate कर दिया. कि only meager part of the expense spent on climate is turned into good account. ये कौन? Who are you to say that? Yep, that's it. एक गलत. So out of the five questions I got 4 correct. So अगर आप देखोगे तो मेरा accuracy ठीक ठाक है. I'm not saying मेरा accuracy best है, ठीक ठाक है accuracy. ठीक है, और कुछ करना है क्या? कितना हो गया अभी भी? 1 घंटा हुआ नहीं है. एक last कुछ पैरा जंबल वगैरह करना है क्या? Okay, let's look into the last question. Let's see what this is. 5 sentences related to a topic are given below. 4 of them will put this thing. Identify the odd one out. Okay, interesting. Heap praises. Let's do this. Okay, let's try to do this. He praises peasant dances. As an example of non-frivolous recreation, he praises dances. नहीं होगा, dancers होना चाहिए. Peasant dances as an, या dances भी हो सकता है. Peasant dances as an example of non-frivolous recreation. Yet much of his enthusiasm for leisure rests on the artistic and scientific endeavors that idle time enables. When Russell surveyed the cultural contribution made by the hereditary leisure class, He finds cause for skepticism. He echoes the language of the economist Thorstein Veblen, who asserts a class mankind would never have emerged from barbarism. Russell claimed that an intelligent use of leisure does not encompass only highbrow activities. Okay. So definitely this is talking about this Russell fellow only. ये मुझे लग रहा है. आई एम नॉट टू श्योर, बट वन आई थिंक इज द ऑड वन आउट. बिकॉज इफ यू रीड ना, यू विल स्टार्ट ऑफ विथ रसल क्लेम्स दैट एन इंटेलिजेंट यूज ऑफ लेजर डज नॉट इनकम्पास ओनली हाईब्राउ एक्टिविटीज. ही इकोज द लैंग्वेज ऑफ द इकोनॉमिस्ट दिस थिंग व्हेन ही असर्ट दैट विदाउट द लेजर क्लास मैनकाइंड वुड नेवर हैव इमर्ज्ड फ्रॉम बारबेरिज्म. When Russell surveys the cultural contribution made by the hereditary leisure class, he finds cause for skepticism. He is finding cause for skepticism as well. Yet much of his enthusiasm for leisure class has been this thing.
if you read the first statement and the second statement, you will realize that the odd one out is not going to be one, because now both the statement one and two are nonsensical. Statement three, perhaps when Russell surveys the cultural contribution made by the hereditary class, he finds cause for skepticism. This is actually out of context. So I'm not sure. I mean, this skepticism and all, how did this come from? He started talking about this thing, right? Russell claimed that an intelligent use of leisure does not encompass only highbrow activities. He echoes the language of the economist Thorstein Veblen when he asserts that without leisure class, mankind would have emerged from, would never have emerged from barbarism. So these two are connected. Yet much of this enthusiasm for leisure rests on the artistic and scientific endeavor that idle time enables. Okay, he praises peasant dances as an example, non-frivolous recreation. Okay, this is a difficult one. This is a difficult one. Because actually, see, I am getting two statements which are actually, you know, not complementing each other. And the statements are this one, the yet enthusiasm, scientific endeavors that idle time enables. This is an, I would have left this. At the face of it, I would have left it. Let's see the answer. Okay. As we have read, so what exactly are okay, as we read those sentences, your answer bata de bhai. Correct option is three. Yeah, so the skepticism thing, right? When Russell surveys the cultural contribution made by the hereditary leisure class, he finds skepticism. Yeah, kya skepticism? What skepticism? If it is not possible to relate sentence 3 to this, as it talks about skepticism about the contribution made by the leisure, this contradicts the rest of the passage. Yeah, so exactly my point also is skepticism jo likh raha hai, ye kya skepticism hai? So difficult hai, but agar mere ko karna hota to main shayad I would have done it, aur main teen hi mark karta kyunki ye skepticism word mere ko bhi pareshan kiya. Anyways, this was a difficult one, definitely. Pura padhne ka mera himmat nahi hai. This is it. Thank you.